Okay, so good morning everyone. So today is our inventory का second class, right? So last class हम लोगों ने देखा था. Let me just quickly go through with that. Last class we had learnt inventory का definition. Manufacturing entity में raw material WIP finished goods and trading concern में only finished goods. This thing we have seen, right? Now उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो मशीनरी का स्पेयर पार्ट्स होता है अगर वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग एज पर AS 10 होगा, अदरवाइज AS 2 के हिसाब से होगा. लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लागू नहीं होता है. देन वैल्यूएशन हमने देखा था WIP और फिनिश गुड्स का कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर एंड रॉ मेटेरियल का देर इज अ डिफरेंट वैल्यूएशन विच वी विल डू लेटर. वॉट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वी हैव स्टडीड. अगर हम बना रहे हैं तो रॉ मेटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर भी आएगा, ओवरहेड भी आएगा, राइट? ओवरहेड में वेरिएबल इंक्लूड होता है, फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे इंक्लूड होता है. और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी देन हम लोग एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे निकालेंगे. स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अबनॉर्मल लॉस, ये सब इंक्लूड नहीं होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, राइट? सो दिस थिंग वी हैव स्टडीड. ये डेफिनेशन था ये हमारा. उसके बाद हमारा प्रूडेंस वाला मैंने आपको समझाया, मेजरमेंट समझाया, राइट? दिस वी विल कवर टुडे, ये हम लोग आज करेंगे, राइट? दिस पोर्शन रॉ मेटेरियल वाला वी विल डू टुडे. देन ये हम लोग देख चुका है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, सब बता दिया था. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो परचेस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे इंक्लूड होता है मालूम है, एवरेज बेसिस पे, एंड दैट इज ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, राइट? कॉस्टिंग दो पर्पस के लिए किया जाता है. एक सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो बिगनिंग ऑफ द ईयर करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है वो, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त भी अपने को कॉस्टिंग करना पड़ता है. तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे स्प्रेड होगा, राइट? और इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी देन एवरेज हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे निकालेंगे. ये हम लोगों का बात हो चुका है ऑलरेडी, राइट? फिर जॉइंट प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया था, मैंने एक दो एग्जांपल भी दिया था. अगर कॉमन इनपुट से 2 से ज्यादा प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये भी हम लोगों ने आपको बता दिया था. ओके, नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट अदर कॉस्ट. ये भी हमारा कॉस्ट में इंक्लूड होता है. तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट, देन वी हैव कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट में वी हैव लेबर, वी हैव ओवरहेड, वी हैव वेरिएबल ओवरहेड, वी हैव फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट? प्लस अदर कॉस्ट. नाउ व्हाट इज अदर कॉस्ट, राइट? अदर कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज नेसेसरी. पहला बात वर्ड आएगा नेसेसरी. नेसेसरी फॉर व्हाट, टू ब्रिंग द गुड्स टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. बाय द वर्ड लोकेशन मीन्स पॉइंट ऑफ सेल एंड कंडीशन मीन्स सेलिएबल फॉर्म. जैसे मान लो लिक्विड सब्सटेंस. लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा, लोग अपना घर से कंटेनर लेके आएंगे उसमें आप डाल के देंगे, नहीं. लिक्विड सब्सटेंस में पैकिंग इज नेसेसरी, प्राइमरी पैकिंग इज नेसेसरी. कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो ट्रांसपोर्ट खर्चा इनकर करता है, कंसाइनी भी वहां पे लोडिंग अनलोडिंग इनकर करता है. सो दोज एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू ब्रिंग द गुड्स टू कंसाइनी शॉप. माल तो कंसाइनी का शॉप से बिक रहा है ना, अगर माल कंसाइनी के शॉप से बिक रहा है
सो वो मेरा लोकेशन ऑफ सेल हो गया, तो वहां तक लाने का जो जो खर्चा लगेगा वो सब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कंसिडर होगा। राइट, डिजाइनिंग कॉस्ट, मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाता हूं, तो ये जो डिजाइनिंग करवाया मैंने आपके लिए, राइट, वो आपका अदर कॉस्ट में आएगा। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, कंसाइनर एक्सपेंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, ये सब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कंसिडर होगा। इज इट फाइन? मैंने गुड्स भेज दिया है भैया, ये कंसाइनर, यह है कंसाइनी, गुड्स लॉरी में यहां से निकल गया है, तो यहां पे ट्रांसपोर्ट लगेगा, जब माल यहां पहुंच जाएगा तो लोडिंग अनलोडिंग लगेगा यहां। तो ये पॉइंट ऑफ सेल है, माल आ गया, उसके बाद रेंट, स्टोरेज, ये सब नहीं लगेगा। क्योंकि लोकेशन में पहुंचने के बाद वाला खर्चा नहीं कंसीडर किया जाएगा। और इन सब का फ्रीक्वेंसी रेकरिंग नेचर का, ये कंसाइनी का नॉन रेकरिंग नहीं है, ये कंसाइनी का रेकरिंग एक्सपेंसेस है। सो अदर कॉस्ट मीन्स नेसेसरी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द गुड्स, माल तो यहीं से बिक रहा है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ सेल है, यहां तक लाने का जो जो खर्चा लगेगा इसको कंसिडर किया जाएगा। राइट, इंटरेस्ट कॉस्ट, कंसिडर नहीं होता ये। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में देखेंगे, अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, क्वालिफाइंग एसेट उसको बोला जाता है जिसको बनाने में 12 महीना से ज्यादा का समय लग रहा है और लोन लेके आप बना रहे हैं, तो इन दैट केस दैट इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द एसेट। राइट, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट को डेफिनेशन क्वालिफाई करेगा, देखो यहां पे लिखा है इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, बोरोइंग कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अगर इन्वेंट्री को बनाने में 12 महीना से ज्यादा का समय लग रहा है तो इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है। AS 16, which deals with borrowing cost, इस वाले AS में हम लोग देख लेंगे। Qualifying asset, राइट, एमोर्टाइजेशन मीन्स डेप्रिसिएशन, जैसा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होता है ना,
उसी प्रकार से एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स, अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड है तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्लियरली लिखा है? एक्सचेंज डिफरेंस ये हम लोग बात करेंगे एएस 11 में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दूंगा इसके बारे में। एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट टेकन इन इन्वेंटरी कॉस्ट। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम फॉरेन सप्लायर, बेसिकली आपने इंपोर्ट किया है डॉलर 1 लाख का माल, आपने इंपोर्ट किया है डॉलर 1 लाख का माल, स्पॉट इज रुपीज 60 पर डॉलर, सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? आप इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे या परचेस को डेबिट करेंगे, एक ही बात है। 1 लाख इंटू 60, 60 लाख, 2 फॉरेन सप्लायर 60 लाख, इक्विवेलेंट रुपी में इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, ना बुक्स में मेरा इन्वेंट्री आ गया ना, इसका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब जब मैं फॉरेन सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो फॉरेन सप्लायर मेरे से 60 लाख मांगेगा कि 1 लाख डॉलर मांगेगा? 1 लाख डॉलर मांगेगा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था। सो मान लो स्पॉट रेट उस समय 62 रुपये पर डॉलर हो गया, फॉरेन सप्लायर तुम्हारे बुक्स में कितने का है? 60 लाख, लेकिन तुम पेमेंट कितना करोगे? 62 into 1 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, इन्वेंट्री के कारण दे रहे हो क्या? नहीं, ये तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस बोला जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, और इसको पीएल में हम लोग डेबिट करेंगे। Is it fine? This is not a part of inventory cost. Not part of inventory cost. मेरे घर पे माल आ गया, उसको मैंने इक्विवेलेंट रूपी में कन्वर्ट कर लिया, आगे जो भी सेटलमेंट होगा वो सप्लायर का सेटलमेंट हो रहा है, इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है मेरे को। इसको मैंने इनिशियली 60 में दिखाया था, पेइंग 62, तो जो 2 लाख का लॉस हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री, इट इज नॉट बिकॉज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, इट इज बिकॉज रिलेटेड टू एक्सचेंज डिफरेंस विच आई एम पेइंग टू माई क्रेडिटर्स। कहीं से भी ये प्रोडक्शन रिलेटेड लग रहा है क्या आपको? भैया इन्वेंट्री में वही कॉस्ट आएगा जो प्रोडक्शन रिलेटेड है या विच इज नेसेसरी।
डन, ओके ओके. सो नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड यू फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड. वेरिएबल तो नॉर्मल जैसे आता वैसे आ जाएगा. फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी तो नॉर्मल कैपेसिटी यूज होगा, और एक्चुअल प्रोडक्शन अगर नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है राइट तो हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन को बेस ले लेंगे. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जब करेंगे तो कॉस्टिंग एक्चुअल डेटा के बेसिस पे होता है. फिक्स्ड ओवरहेड का एवरेज जब निकालेंगे तो नॉर्मल कैपेसिटी लेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग. लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे एवरेज ले लेंगे. ज्वाइंट कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया था, ये अलग अलग मेथड्स हैं. सेल वैल्यू एड सेपरेशन बताया आपको, तो कॉस्टिंग में आप लोग पढ़ेंगे, सीएमए जब आप पढ़ेंगे ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग. ये भी आप लोग सीएमए में पढ़ेंगे. बाई प्रोडक्ट्स, अब होगा क्या ध्यान से देखो. सपोज करो ये मेरा कॉमन इनपुट है, तो व्हाट इज माय इंटेंशन, माय इंटेंशन इज टू प्रोड्यूस ए एंड बी. व्हाट इज माय इंटेंशन, एंड ए एंड बी इज गेटिंग प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इनपुट साइमल्टेनियसली. हुआ क्या, देयर इज वन बाय प्रोडक्ट, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था बट निकल गया मोलासेस. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में मोलासेस इज अ बाय प्रोडक्ट. तो बाय प्रोडक्ट जितना भी निकला उसको बेच के मेरे को 10,000 रुपया मिला सेल वैल्यू. अगर सेलिंग एक्सपेंस होगा तो माइनस कर देंगे एनआरवी. तो बाई प्रोडक्ट आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन फिर भी आपका निकला ना, तो इसको बेच के जो भी पैसा आएगा वो पहले ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस होगा. नेट ज्वाइंट कॉस्ट 90K विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेटेड बेसिकली. तो ये जो हम लोग यहां एलोकेट किया ना 90K, 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 बस यही है. जब ज्वाइन कॉस्ट एलोकेट करेंगे तो पहले अनइंसिडेंटल, मेरा इंटेंशन था ही नहीं बनाने का बट निकलेगा ये, तो इसको बेच के कुछ. जब मक्खन निकालते हैं तो बटर मिल्क ऑटोमेटिकली बनता है, यू कांट हेल्प इट. लेकिन उसको बेच के लोग धंधा कर रहा है, 10 रुपए का 12 रुपए का आता है अमूल का चाच मट्ठा. तो व्हाट एवर इज योर मेथड ऑफ एलोकेशन इट डजेंट मैटर, द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज बाई प्रोडक्ट को बेच के जो भी पैसा आया है, वट एवर मनी यू हैव गॉट बाई सेलिंग, सिंपली रिड्यूस योर कॉमन कॉस्ट, उसके बाद एलोकेशन करेंगे. ठीक है, डन. हाँ,
ये सब चीज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लिया जाता है। एबनॉर्मल लॉसेस ये आप लोग पढ़ा है फाउंडेशन में, स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट इंक्लूडेड Is it okay, all of you? चलिए कॉस्ट फॉर्मूला ये आप लोग पढ़ा है, स्टोर लेजर, तो यूजुअली हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं, बट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगाना संभव नहीं है। आज हमने माल खरीदा, ये लॉट वन, ये लॉट टू, ये लॉट थ्री, ये लॉट थ्री, ये लॉट फोर, ऐसे करके L1, L2, L3, L4, अलग अलग लॉट आई एम कीपिंग। तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा, इसमें, क्योंकि सारे लॉट का परचेज प्राइस अलग होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है बेटा। इसका लगा 4 रुपया, इसका यूनिट कॉस्ट, सपोज इसका यूनिट कॉस्ट है 4 रुपया 10 पैसा, इसका होगा 4 रुपया 20 पैसा, इसका 4 रुपया 15 पैसा, इसका 4 रुपया 25 पैसा, इस तरीके से। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज द बेस्ट मेथड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर यूनिट्स आर इजिली इंटरचेंजेबल अमॉन्ग देमसेल्फ, मैं पेंस का बिजनेस कर रहा हूं, मैंने 100 पेन खरीदा, उसमें से मैंने 70 बेच दिया, तो 30 बचा हुआ है पहला लॉट का। फिर मैं दूसरा लॉट खरीदा अगेन 100 पीस का, तो मैं तो उसको अलग से नहीं रखूंगा, वो उसी में मिल जाएगा ना आपसरी में। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कौन से लॉट का माल बचा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट होगा ये। तो इन दैट केस वी मेक एन अजम्पशन, फीफो एंड वेटेड एवरेज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, यही दो है। बचपन में आपने लीफो भी सुना होगा, सिंपल एवरेज भी सुना होगा, बट दीज आर द ओनली टू मेथड्स। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यही दो प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूं। सपोज जनवरी मंथ का मैं बात करता हूं, 1 जैन को हमने खरीदा है 1000 यूनिट्स एट द रेट 5। अगेन 15 जनवरी को मैंने अगेन खरीदा, परचेस्ड 1500 यूनिट्स एट द रेट 5.5। अगेन 20 जनवरी को मैंने खरीदा है 1000 यूनिट एट द रेट 5.6 में। थर्टी फर्स्ट जैन
यूनिट्स इन हैंड, चार सौ यूनिट। एक काम करो, 1400 कर लो। कैलकुलेट, एंड सीओजीएस भी निकालना है। नाउ सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि आपने टोटल यूनिट कितना खरीदा। साढ़े तीन हजार यूनिट, यस और नो? टोटल परचेस कॉस्ट, हजार इंटू फाइव, 5000, 1500 इंटू 5.5 कितना आ रहा है? 3500 यूनिट्स हैं, एंड कितना आया ये? 18,850। लेस स्टॉक इन हैंड। अब अपने फीफो के बेसिस को फीफो अज्यूम करेंगे। अगर ये बता देता कि किसमें से कितना बचा हुआ है तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। राइट, सो नाउ फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी बचा हुआ है वो नीचे से बचा हुआ है, तो नीचे वाला 1000 बचा हुआ और इसमें से 400 बचा हुआ है ना? चार सौ बचा है 5.5 वाला और 1000 बचा हुआ है 5.6 वाला, तो ये आएगा 2256, 7800। तो ये मेरा आ गया सीओजीएस। डन। अगेन सेम चीज करता हूं, ये था फीफो।
वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा? टोटल परचेज कॉस्ट 3,500 यूनिट का 18,850, ये वाला चीज, ठीक है ना, लेस स्टॉक इन हैंड वेटेड एवरेज मेथड, क्या करना है? 18,850 अगर 3,500 का, तो एक पीस का कितना होगा? जितना भी आएगा इनटू 1400 कर देंगे, 1400 बच गया है। ये हम लोग कब फॉलो करते मालूम है? जब प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, देन वी फॉलो दिस। हाउ मच इट इज कमिंग? $18,850 डिवाइड बाय 3,500 इज हाउ मच? राउंड ऑफ करके बता दो। 7,540। ठीक है, डन। अदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट में जनरली हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट भी लेते हैं, ये सब आप लोग कॉस्टिंग में सीखेंगे, राइट? दिस इज प्री एस्टिमेटेड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर हमारा बजट जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है अगर वो एक्चुअल से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, देन वी डोंट गो फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। मतलब अगर फेयरली इट इज अप्रोक्सीमेटिंग देन इट्स ओके, लेबर एफिशिएंसी भी अच्छा है, पुअर नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल 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 चल रहा है, तो आप एक्चुअल में स्टैंडर्ड लेके कर सकते हैं। ये पूरा बैक कैलकुलेशन होता है रिटेल बिजनेस में, एग्जाम्पल के जरिए समझाया जाएगा। बचपन में हम लोग को मैम बताई थी ट्रेडिंग अकाउंट से अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।
नाउ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। हमने कुछ परचेस किया 85,000 में, ये हमारा सेल है। मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 15,000। तो एक बात बताना, ओपनिंग प्लस परचेस करेंगे तो कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। इसमें मार्कअप ऐड कर देंगे 25%, ठीक है, तो 1,25,000 आ गया। ये मेरा टोटल सेलेबल वैल्यू, मतलब जो भी माल मेरे पास है उसका टोटल सेलेबल वैल्यू ये आ गया, लेस सेल्स वैल्यू कितना है, तो ये 20,000 क्या है, लेफ्ट ओवर स्टॉक। पहले जो भी माल है उसका कॉस्ट है 1,00,000, उसमें मार्कअप ऐड कर दिया, तो टोटल सेलेबल वैल्यू आ गया। उसमें से 1,05,000 का माल बेच दिया, सो डोंट यू थिंक This is closing stock at selling price. This is closing stock at selling price. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये मार्कअप ऑन कॉस्ट है तो ये 20% ऑन सेल होगा। ये हम लोग फाउंडेशन में पढ़ा है 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ये होगा 1/5 ऑन सेल्स। पहले आपके पास जो भी माल है उसका टोटल सेलेबल वैल्यू निकाल लीजिए, जो माल बिक गया माइनस, तो बाकी का क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस से 1/5 माइनस कर दीजिए, 20,000 माइनस 1/5 दैट इज 4,000। तो ये जो 16,000 आया, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ये जो 20,000 आया इसमें 1/5 माइनस करो तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट आ जाएगा। एकदम सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना है, ये लोग भी वैसे ही किया है। देखो टोटल सेल वैल्यू निकाल लिया, इसमें से सेल्स माइनस कर दिया, सेल्स वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ गया, वन बाय फोर ऑन कॉस्ट, सिंपल फंडा है, 1/5 ऑन सेल होगा, इसका 1/5 4,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। मार्जिन इज ऑन सेल्स, मार्कअप इज ऑन कॉस्ट।
लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दीज थिंग्स, इट्स बहुत बहुत बेसिक है ये सब। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो ये हो गया आपका 31 मार्च 23। अप्रोक्सीमेटली मई जून तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फाइनलाइज अकाउंट्स एंड जुलाई अगस्त ऑडिटर विल डू ऑडिटिंग तो 30th September को सपोज लेट अस अज्यूम साइनिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब है साल खत्म हुआ 6 महीना बाद वो फाइनलाइज हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड देयर विल बी इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर साइनिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मैंने आपको बताया था, एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो एनआरवी निकालते वक्त आपको क्या क्या चाहिए, यू नीड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये जो स्टॉक है ये यहां पे बिक गया होगा ना, ये जो स्टॉक पड़ा है आपके 31 मार्च को, 31 मार्च है बट फाइनलाइज कब हो रहा है, 30th September 6 महीना बाद, और हम लोग पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर साइनिंग। सो यू हैड स्टॉक ऑन 31 मार्च, तो कहीं ना कहीं ये माल यहां बिका होगा, बिका होगा तो सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, तो ऑडिटर इसी को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पकड़ लेगा 31 मार्च का। ये जब बिका होगा तो जो खर्चा लगा होगा ऑडिटर इसी को एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस पकड़ लेगा 31 मार्च का, क्योंकि आंखों से देख रहा है ना वो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में मिक्स कर रहा हूं, और इस दौरान ये कंप्लीट हुआ होगा, तो कंप्लीट करने का क्या खर्चा लगा होगा उसी को मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मान लूंगा। यही तो है स्कोर, इस साल का नहीं है बट इसको एडजस्टिंग इवेंट मानो, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, स्टॉक वॉज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। अभी भी मान लो नहीं बिका, 6 महीना हो गया माल नहीं बिका, तब तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी को आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। बट अगर इस 6 महीना के अंदर बिक गया है तो आई कैन इजिली टेक द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस एज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च। Are you getting my point? What I'm trying to say? Practically logical बताओ। 31 मार्च को books close हो रहा है, but sign 30th September को हो रहा है। तो 31 मार्च को जो stock है, वो तो बिका होगा इस दौरान। Accounting standard 4 लगाओ, events occurring after the balance sheet date। तो किस दाम में बिका, क्या expense लगा, क्या further cost of completion लगा, ये तो आपको मालूम है।
इसी डाटा को आप 31 मार्च में यूज करके एनआरबी निकाल लीजिए। क्योंकि वो टाइम पीरियड हो चुका है, यू आर पब्लिशिंग अकाउंट्स लेटर, टाइम पीरियड हैज पास, गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड स्टॉक वॉज देयर ऑन द बैलेंस शीट डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन यू डू ऑडिट इन रियल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। Is it okay? तो ये खाली आपको याद रखना है। क्लियर? अब ये जो कॉस्ट और एनआरवी देखते हैं ना हम, आइटम बाय आइटम देखा जाएगा, ओवरऑल नहीं देखा जाएगा, हर आइटम का अलग अलग। जैसे हमारे पास यहां पे दो आइटम है, इन दोनों का लोअर चेक होगा, इन दोनों का लोअर चेक होगा, उसके बाद ऐड होगा। ऐसे नहीं देखा जाएगा, ओवरऑल का लोअर नहीं लेंगे हम लोग। सो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर on item by item basis, not on overall basis. जब मैं CA foundation दिया था 2008 में, ये question आया था। मैं जब intermediate दिया था तब ये वाला question आया था। Right? तो यहां पे लिखा हुआ आइटम बाय आइटम बेसिस। अब रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन के बारे में बात होगा। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। सो वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग, वी हैव स्पोकन अबाउट मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी, राइट? वी हैव स्पोकन अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, उसमें रॉ मेटेरियल वाला खाली बाकी है। व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है, बाई प्रोडक्ट का एनआरवी लेस करने के बाद बाकी इसको मेन प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देना है ऑन सम सुटेबल बेसिस, वो हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर में सीखेंगे। फिर भी मैंने आपको दो बता दिया, फिजिकल यूनिट मेथड एंड सेलिएबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। राइट? क्या क्या चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, क्या क्या चीज नहीं आएगा, कौन कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला है, फीफो वेटेड एवरेज दो ही प्रेस्क्राइब्ड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं आप या रीसेल रिटेल सेल प्राइस। राइट? सो नाउ बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है।
मटेरियल एंड अदर सप्लाईज विच आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, इसको हम लोग राइट ऑफ नहीं करते। अगर सेलिंग प्राइस जिसमें वो जाने वाला है, अगर फिनिश गुड्स जिसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट के ऊपर है, तो हम लोग रॉ मेटेरियल को राइट ऑफ नहीं करेंगे। राइट तो यहां पे भी देखो, ऊपर में लिखा था जहां पे वैल्यूएशन हम लोग बात किया ना, ये रहा, इफ फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट अबव कॉस्ट, तो रॉ मेटेरियल को कॉस्ट पे दिखाएंगे। अगर फिनिश प्रोडक्ट जिसमें वो जाने वाला है उसका सेलिंग प्राइस गिर गया है, कॉस्ट के नीचे आ गया है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में दिखाएंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आज इसको खरीदेंगे तो क्या दाम लगेगा रॉ मेटेरियल को, कोई लोअर हायर नहीं, सीधा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। राइट If finished goods is expected to be sold at or above cost of production, मतलब रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन फिनिश गुड्स पर डिपेंड करेगा। Then raw material will be valued at cost price. If finished goods is expected to be sold below COP, then raw material will be valued at रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब इसको रिपर्चेस करने का क्या खर्चा लगेगा आज के मार्केट के हिसाब से। मतलब तुम्हारी परिस्थिति पे मेरा वैल्यूएशन टिका हुआ है, तुम्हारी परिस्थितियों में मेरा वैल्यूएशन टिका हुआ है। इज इट क्लियर एवरीवन? डन। अब ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल सा है कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में।
क्या अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो किया है। रॉ मटेरियल होगा तो फिनिश गुड्स पे डिपेंड कर रहा है उसका वैल्यूएशन, और WIP होगा तो कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या आपका कॉस्ट फॉर्मूला था राइट। इन्वेंट्री का क्या प्राइस में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपने राइट डाउन किया है कि नहीं, वही जो भी है। इस टाइप से आपको क्लासिफिकेशन करके बताना पड़ेगा रॉ मटेरियल ये सब का अलग अलग। ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का हो गया, ये ट्रेडिंग कंसर्न का हो गया, और ये अदर देन AS10 मस्टरी स्पेयर पार्ट। ठीक है, सो नाउ हमारे बुक में काफी सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। वी हैव राउंड अबाउट, लेट मी जस्ट चेक। ओके, इधर में हमारा MCQ है, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ये सारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आज कर लेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, राइट। लेट अस डू वन आफ्टर द अनदर। इलस्ट्रेशन वन करिए, जस्ट रीड, आई विल कम इन विद अ मिनट। Now let us do the first question. ठीक है, company deals in three products A, B and C which are neither similar nor interchangeable. At the time of closing of its accounts for the year 20X1-X2,
The historical cost and net realizable value of the items of closing stock are determined as follows. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया आइटम बाय आइटम बेसिस। तो आइटम ए का कॉस्ट और एनआरवी में लोअर क्या, एनआरवी इसका इनडिफरेंट इसका 16 कितना, तो दिस इज माय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ऑन आइटम एंड आइटम बेसिस नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस, ऐसे लिख के आप कंप्यूटेशन दिखाएंगे, सिंपल है। देखिए यहां पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एंड लोअर ऑफ दिस ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, सो 76 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इज इट ओके? नंबर टू, पढ़ा हुआ है ना तब आप लोग को इजी लगेगा। March 31 X2 ईयर एंड है, 75% बेच दिया तो 25% बचा। तो तुम लोगों को मालूम है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, सो व्हाट इज कॉस्ट, 40 लैक्स का 25% दैट इज 10 लाख। तो कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज एट 10 लाख, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू कंपेयर। तो कंपनी ने जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल फॉलो किया दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसे लिखना पड़ेगा। कॉस्ट 10 लाख है, एनआरवी कितना है, एट व्हाट प्राइस आई विल बी एबल टू सेल इट, 11 लाख माइनस 10% इज कमीशन, $9.9 लाख। So closing stock is to be valued at 9.9 lakh. Therefore, the accountant treatment is wrong. Stock should be valued at lower of cost or NRV, whichever is lower.
राइट, सो द वैल्यूएशन प्रिंसिपल अडॉप्टेड इज इनकरेक्ट एज क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, देयरफॉर द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कंपैरिजन दिखा के 9,90,000, इज इट फाइन? नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? लेट अस टॉक अबाउट लॉस. लॉस दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस उसको बोला जाता है जो अनअवॉइडेबल होता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण भी अगर प्रोडक्शन करेंगे, अल्लाह जीसस अगर ये लोग प्रोडक्शन करेगा तो भी ये लॉस होगा. ये अनअवॉइडेबल है. सो दीज आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. राइट, एंड जनरली दीज आर अवॉइडेबल. सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड. मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, इसको क्या करते हैं हम लोग, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैं आपको एक बात बोलूं, मतलब जिस चीज को मैं, ये सब आप लोगों को किताब में नहीं मिलेगा, जिस चीज को मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे जगह अगर कस्टमर भी ये धंधा कर रहा होता तो ये लॉस होगा ही होगा. मैं बोल रहा हूं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अगर प्रोडक्शन करेंगे तो भी लॉस होगा. मैं तुम कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो ये लॉस होना ही होना है. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दीज लॉसेस आर बॉर्न बाय कंज्यूमर. मैं बोल सकता हूं दीज लॉसेस आर बॉर्न बाय कंज्यूमर. हाँ है ना, कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज. यहां पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अदर गुड यूनिट्स विल इंक्रीज. ठीक है, और ये आपकी लापरवाही के कारण हुआ है, लापरवाही. इसलिए मैं तो बोल रहा हूं अवॉइडेबल था. अगर आप प्रॉपर केयर लेते, प्रॉपर सब कुछ करते, एफिशिएंसी अच्छा रखते तो ये लॉस नहीं होता. तो ये कस्टमर क्यों बियर करेगा? हाँ है ना, और एक बात बताता हूं, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो मेरे सहनशीलता के अंदर है. दिस मच लॉस आई कैन बियर, मतलब द कस्टमर कैन बियर दिस मच लॉस. बट
अब नॉर्मल लॉस इज बियॉन्ड नॉर्मल लॉस, जैसे क्वेश्चन में बोला है यहां पे क्लियरली देखो 5% आपका नॉर्मल लॉस है, तो 5000 का 5% 250 होता है, लेकिन लॉस हो गया 300। सो 250 तक लॉस मैं बियर कर सकता हूं साहब, उसके ऊपर का लॉस मैं बियर नहीं कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो नॉर्मल लॉस किसको बोलेंगे? अनअवॉइडेबल लॉसेस को। किसको बोलेंगे? अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? कोई भी प्रोडक्शन करे अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये अवॉइडेबल होता है। तो जो अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब मैं करूं तुम करो कोई भी करो, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रहने देते हैं, अदर प्रोडक्ट्स को बढ़ा देते हैं कॉस्ट उसका, और इसको नहीं। ये अवॉइडेबल था, आपकी गलती के कारण हुआ है, कस्टमर बियर नहीं करेगा, आपको नुकसान बियर करना पड़ेगा, राइट? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इलस्ट्रेशन 3, परचेज यूनिट है और कॉस्ट 5000 यूनिट में एम्प्टी, हाँ, एट द रेट 1000 करके कितना होता है? 50 लाख। लेस सीएमएम एक प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के चैप्टर, उसमें भी आप लोग सीखेंगे। नॉर्मल लॉस 5%, मतलब 250। सो 4750 का कॉस्ट आ गया आपका 50 लाख। मैंने बोला ना कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा इसके कारण, अदर प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अभी जस्ट खाली डिवाइड करके आप हमको पर यूनिट बता दीजिए, तो एक बार जस्ट डिवाइड एंड लेट मी नो पर यूनिट। 250 लॉस हुआ ना, हाँ? 50 लाख डिवाइड बाय 4750, माना जाएगा कि आपने 4750 ही खरीदा है। वन जीरो पूरा राउंड ऑफ, दो डेसिमल प्लेस तक बोलो, 1052.63। तो देखो पहले आपका कॉस्ट क्या था? 1000 रुपया, है ना? अब आपका कॉस्ट कितना हो गया? तो नॉर्मल लॉस के कारण कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। दीज आर एब्जॉर्ब बाय अदर गुड यूनिट्स। Absorbed by other unit and therefore cost per unit will increase. ठीक है, अभी बहुत सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक 4700 है, एबनॉर्मल लॉस 50 है, 1052.63, जो भी वैल्यू आएगा ये जाएगा बैलेंस शीट में और ये जाएगा पीएल डेबिट में, बता दीजिए। ये वाला राउंड ऑफ करके बता देना।
फोर नाइन कितना रहा बोलो? और इसका 5 2 थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का एरर आ रहा है। अच्छा ₹9-10 का अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 50 50 लाख ही आना चाहिए, बट 50 लाख नहीं आएगा। देयर विल बी सम डिफरेंस, 7 रुपीज। हाँ, 7 रुपए का डिफरेंस है। मतलब इफ यू टेक 4 डेसिमल प्लेस तब एग्जैक्ट और आएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, 50 लाख। एक जीरो ज्यादा हो गया। फिफ्टी लाख इज फॉर 4750, सो हाउ मच विल बी फॉर 4700। और हियर यू कैन डू 50 लाख इज फॉर 4750, हाउ मच विल बी फॉर 50। ठीक है, देख लो, हम लोग का 4947361 आया, इसका 8 आ रहा है बिकॉज ये लोग इस तरीके से किया है। दे हैव टेकन 4 डेसिमल प्लेसेस। डन। ओके, लेट अस डू नंबर 4। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मटेरियल कॉस्ट 200, लेबर कॉस्ट 40, वेरिएबल ओवर रेट 20, फिक्स प्रोडक्शन चार्ज नॉर्मल कैपेसिटी 2 लाख इज 20 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं है तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लेंगे हम लोग? 20 लाख बाई 2 लाख,
दैट इज 10. सो 200 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 270 इंटू 4000, दैट्स इट. दिस इज पर यूनिट. मेन तो यही निकालना था. एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया तो नॉर्मल कैपेसिटी पे ही एवरेज निकाल लिया, 10 रुपया पर केजी. आ गया कितना आएगा, 10,80,000. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू, घर पे आप लोग होमवर्क करेंगे ये वाला पूरा, टेस्ट योर नॉलेज, देन वी विल डिस्कस दिस. ठीक है. That's it for today. Thank you so much.